हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तो बहुत अच्छे तरीके से देखना आपको ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशनशिप पढ़ने वाले हम लोग टीपी और एमपी के बीच में। तो जब हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं, सबसे पहले आपको एक टेबल पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने टेबल लिख रखी है जिसके अंदर मैंने फिक्स फैक्टर लिख रखा है, ठीक है ना। फिक्स फैक्टर यानी कि आप ये लगा लो कि मेरे पास एक खेत है, ओके। तो हर एक केस में ये फिक्स ही रहेगा, 1 1 1। उसके बाद मैंने वेरिएबल फैक्टर लिख रखा है 0 से लेके 6 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6। उसके बाद मैंने टोटल प्रोडक्ट लिख रखा है 0 10 30 45 52 52 48। और मैंने इस टीपी से ही एमपी निकाल लिया है, तो पहले वाला तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें से ये लेस किया मैंने, ये निकल गया। इसमें से ये लेस किया, ये निकल गया। इसमें से ये लेस किया, ये निकल गया। इसमें से ये लेस किया, ये आ गया। इसमें से ये लेस किया, ये होगा। इसमें से ये लेस किया, ये माइनस आ गया। तो अब हमें बताना क्या है, क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि रिलेशनशिप बताना है टीपी का और एमपी का क्या है। यानी हमें बताना है कि अगर टीपी कम या ज्यादा होता है तो उसका क्या असर पड़ता है एमपी के ऊपर, है ना। ये दोनों दोस्त हैं, जैसे एक दोस्त होता है ना, ठीक है, कि भाई वो अगर पढ़ाई करता है तो दूसरे के ऊपर क्या असर पड़ता है, या फिर वो पढ़ाई नहीं करता तो दूसरे के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो वैसे ही हमें पता करना है कि अगर टीपी कम या ज्यादा होता है तो एमपी किस तरीके का स्वभाव रखता है, यानी एमपी क्या करता है, ओके। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लो, ग्राफ बना लेना आप, इसका बहुत जरूरी होता है ग्राफ बनाना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको क्या करना है, टीपी और एमपी दोनों का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल फैक्टर लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, ये मैंने ले रखे 0 1 2 3 4 5 6, राइट। उसके बाद टीपी और एमपी दोनों को मिला के दोनों में ये देखेंगे मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम ढूंढ लो। तो इसमें मैक्सिमम कितना है 52, तो मैंने 10 का डिफरेंस ले लिया वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। और यहां पर मैं टीपी और एमपी दिखाऊंगा वाई एक्सिस पे, और यहां पर मैंने वेरिएबल फैक्टर दिखा दिया। तो 10 20 30 40 50 एंड 60, ये मैंने 10 का गैप ले लिया है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि टीपी मैंने कैसे निकाला है, यहाँ पे ग्राफ कैसे दिखाया, तो वो देखते हैं। 0 पे 0, तो 0 पे 0 ये रहा, ठीक है ना, पॉइंट आ गया। 1 पे 10, तो अगर इसका 1 है तो इसका 10 आ गया, राइट, ठीक है ना। और फिर 2 पे 30, ये 2 हो गया, और 2 पे 30 ये रहा, ठीक है ना। 3 पे 45, ये 3 होगा, 3 पे 45, राइट। उसके बाद आता है 4 पे 52, ये 4 होगा, 4 पे 52, ठीक है ना, और 52 लगभग यहाँ, ठीक है। ये आप ये लगा सकते हो कि क्योंकि मैंने बनाते टाइम आप बोर्ड है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा 5 पे 52, तो 5 भी इसके बिल्कुल सामने ही रहेगा 52 के। अब उसके अलावा 48, तो 48 थोड़ा सा नीचे रहेगा, तो नीचे ले आएंगे। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट अब हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा टीपी का बन जाएगा, इसके सामने लिख देना टीपी। अब हम निकालते हैं एमपी का, तो 0 पे 0, ठीक है ना, मान सकते हो, ठीक है। तो 1 पे 10, तो 1 पे 10 यहाँ पे से शुरुआत हो जाएगी इसकी। 2 पे 20, 2 पे 20, 3 पे 15, 3 पे 15, ठीक है ना। 4 पे 7, 4 पे 7 ये होगा। 5 पे 0 है, तो ये 0 हो गया और ये 5 हो गया, राइट, ठीक है ना। और फिर 6 पे कितना है, -4, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो, ये रहा आपका -4, माइनस है तो नीचे चला जाएगा, राइट। ये वाले सारे प्लस होते हैं, ये वाले प्लस होते हैं, इधर आएंगे तो माइनस आ जाएगा, इसका नीचे माइनस आ जाएगा, तो इसके नीचे -10 लिख लेना, और वहां पे -4 ये रहा। तो अब ये सारे पॉइंट आप मिलाओगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ये आपका एमपी का बन गया। तो हमारी टेबल हो गई है, टेबल से हमने ग्राफ सीख लिया है। अब सवाल ये उठता है कि टीपी और एमपी का जब रिलेशन बताते हैं तो हम ये बताएंगे कि अगर टीपी बढ़ेगा या कम होएगा या कुछ भी होएगा तो एमपी किस तरीके का स्वभाव रखता है, एमपी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। चले तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या है कि टीपी यहां पे बढ़ा, पहले 10 से बड़ा, 0 से 10 यानी 10 का डिफरेंस है, ठीक है ना, 10 से बड़ा यहाँ पे। फिर 10 से कितना होगा, 30, यानी कितने का डिफरेंस है, 20। अब अगला, ठीक है ना, या तो 20 से बढ़ना चाहिए या 20 से ज्यादा से, यानी ये यहाँ पे 10 से बड़ा, तो अब इससे अगला कितने से बढ़ना चाहिए, या तो 10 से बढ़ना चाहिए या 10 से ज्यादा से, तो माना जाएगा कि वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है टीपी। अब अगले वाला कितने से बढ़ना चाहिए, 20 या 20 से ज्यादा से, लेकिन ये 15 से है तो यहीं तक आगा, तो इसका मतलब यहीं तक होगा टीपी में, ये सिर्फ 3 चीजें आएंगी, राइट, इंक्रीजिंग रेट वाले में, ओके। तो ये कह रहा है कि व्हेन टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, यानी यहां तक 30 तक, एमपी आल्सो इंक्रीजिंग। तो एमपी देखो, पहले 0 था, फिर 10 हो गया, फिर 20 हो गया, तो ये कह रहा है ये भी बढ़ेगा, ओके, चलो ठीक है, पहले तो ये लिख देना आपको। दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है, व्हेन टीपी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। तो टीपी किससे बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन किससे बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से,
तो डिक्रीजिंग रेट मतलब इसका डिफरेंस देखो कितना है 15 और इसका डिफरेंस देखो कितना है 7, ठीक है ना। तो कितना ये दोनों आ गए इसके अंदर, हालांकि ये भी इंक्लूड कर सकते हो लेकिन हम जीरो के साथ अलग से एक पॉइंट बना देंगे, राइट, ठीक है ना। तो ये आ गया, ये दोनों ये बढ़ तो रहे हैं लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन 20 से नहीं बढ़ रहा, ये बढ़ रहा है लेकिन 15 से नहीं बढ़ रहा, 15 से कम से। तो यहां पर ये होगा। अब ये बात लिख देते हैं, व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट एमपी आल्सो डिक्रीज। अब एमपी कम हो रहा होगा, देखो 15 फिर 7 कम हो रहा है ना एमपी, इसके बाद देखो कम हो रहा है ना, यहां बढ़ रहा था। अब देखते हैं सिर्फ दो पॉइंट रह गए हैं लास्ट के, ये और देखो। अब कहता है कि व्हेन टीपी रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट, टीपी यहां पे देखो मैक्सिमम पहुंच जाता है तो एमपी उस टाइम पे क्या हो जाता है, जीरो, ये बात आपको लिख देनी है। उसके बाद व्हेन टीपी क्या हो जाता है, टीपी कम होना शुरू हो जाता है तो एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये बात लिख दो आप कि व्हेन टीपी स्टार्ट डिक्रीजिंग, कि जब टीपी कम होना शुरू हो जाएगा तो एमपी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से लिख लो, ग्राफ जरूर बनाना प्रॉपर तरीके से, और ये पूरी इंग्लिश इस टेबल से निकालने सीखनी है, ठीक है। दो दिन बाद वीडियो देख लो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अगर आपके पेपर चल रहे हैं और कोई चैप्टर छूटा हुआ है तो आप मुझे बताएं, वो मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।